गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं LR ब्लॉक्स और हम हैं 10 नंबर में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा फार्मिंग का भी चीज़ है और पीछे मंदिर है और गौशाला है। गौशाला में कितनी गायें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। LR ब्लॉक आप देख रहे हैं, आप अभी 10 नंबर आवास में, जो कि यहाँ मेरी मदर रहती हैं, मेरी मॉम रहती हैं यहाँ पर और हमारे छोटे भाई रहते हैं और उनकी नई नवेली जो दुल्हन है, जो कि मेरी बहू है, वो यहाँ रहती है। और आइए आपको कुछ सीन दिखा देते हैं। देखिए बस वस है, इधर बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है। और आइए इधर आपको गौशाला है और गौशाला में बहुत सारी गायें हैं और इतनी सारी जो गायें हैं, कम से कम सारे बछड़ों को मिला करके, गायों को मिला करके कम से कम 100 गायें होंगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतने बड़े कैंपस में, इतना छोटा कैंपस भी नहीं है लेकिन बड़ा कैंपस है, और इतने बड़े कैंपस में गाय है और गाय का खाने का भूसा भी है यहाँ पे रखा हुआ। ये देखिए गाय का खाने का भूसा भी है, जो कि इसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं ताकि खाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर देख रहे हैं बहुत सारी बकरियां हैं और बकरी के बच्चे भी हैं यहाँ पर। आप देखिए ये बकरी है, कितनी अच्छी बकरी है, ये ब्लैक बकरी और उसके बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं उसके बकरी के। और पिताजी से और हमारे जो पिताजी हैं उनको बहुत लगाव है जानवरों से, खासकर गायों से, जो कि गाय हैं यहाँ और इस शेड में गाय रहती हैं और गाय का खाने के लिए भी व्यवस्था किया है। आप देख रहे हैं कि ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, कितना छोटा बछड़ा है। आप इधर देख सकते हैं इधर कितनी सारी गाय हैं, ये देखिए उनके बछड़े हैं, गाय हैं, देसी गाय है। ये जो है सिंह वाली, ये दोनों देसी गाय है, ये देसी गाय होगी। और ये देखिए इसमें जो गाय है ये सब जर्सी गाय भी है, देसी गाय भी है। ये साहिवाल गाय है, ये जो बीच वाली जो गाय है ये साहिवाल गाय है। बाबर मारे गाय इधर भी, फिर इधर भी स्टॉक रखा हुआ है भूसा का, इसमें स्टाफ वाटर है, इसमें स्टाफ वगैरह रहते हैं। ये देखिए भूसा है और ये स्टॉक किया हुआ है भूसा, इसमें भूसा से यहीं से भूसा निकलता है, जो कि घास वास होता है ना और जो गाँव वाँव में जो कटता है, जिसको धान वान कटा, खेसारी जिसको बोलते हैं, खेसारी का साग खाए होंगे आप लोग, वो उसका कटा हुआ तो उसका ये सब रहता है, उसका खाने का व्यवस्था इसमें किया गया है। इसमें दवा का भी व्यवस्था है, इसमें ये चोकर है, आप देख सकते हैं चोकर है, ये चोकर रखा हुआ है गायों के लिए खाने के लिए। और कुछ गाय यहाँ पे हैं और नीचे बालू ही बालू बिछाई हुई है। और इधर टेम्पल है, ये मंदिर है, अगर हो सकते हैं इधर से हम लोग जा सकते हैं, इसको अगर क्रॉस करें तो इसको क्रॉस करके आप जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग फान के चलेंगे, आप आराम से आइए, खड़िए वहीं से आइए ना। ये मंदिर है, मंदिर तो अभी बंद है, मंदिर शाम में 4 बजे खुलेगा। ये मंदिर हमने बनवाया था, साईं बाबा का मंदिर, और मंदिर का 5-6 साल हो रहा है तो मंदिर तो बने। भोले बाबा का है, पर्दा बंद है लेकिन साइड से आपको देखेगा। और ये बाबा है और ये बाबा यहाँ पे सेवा करते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ से भोले बाबा दिख रहे हैं, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और ये तुलसी माता है, आप देखिए बहुत सारे कपड़े भी सूख रहे हैं। सरकारी है,
आइए इधर एक चीज और दिखाते हैं, एक छोटा सा मंदिर और जो कि आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा एक मंदिर है, आप यहाँ से देखिए, इसमें लगभग आपके सारे देवी देवता हैं, सारे देवी देवता हैं यहाँ पे। आइए भूमि जलता है, हवन वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं तो उसका इसमें भूमि जो है जलता है। तो आप देख रहे थे LR ब्लॉग, एक नया ब्लॉग हमने बनाया है। मेरे दिमाग में आया कि जब मैं फ्री टाइम में रहूं तो कुछ ब्लॉगिंग कर दूं जो कि हमसे रिलेटेड हो। तो आप देख रहे थे LR ब्लॉग, धन्यवाद।